अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में कि ये साल 2023 का राशिफल कैसा रहेगा। और हमने आपके लिए लिखा है कि कोई ना कोई आपके इंतजार में रहेगा इस बार, और कोई ना कोई बेचैन रहेगा आपसे मिलने के लिए। अब भाई बात करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे, साथ में आपके लिए बात करेंगे आपके लिए धन, प्यार, नौकरी, घर, विदेश यात्रा और हेल्थ, ये कैसे रहेंगे 2023 में, इनके बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करेंगे आपके धन के क्षेत्र से कि अभी रुपए पैसे के मामले में क्या हो रहा है। तो रुपए पैसे का मामला जो है भाई बढ़िया चलेगा, अच्छे पॉलिश्ड पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं धनु राशि के लोग, और जो बॉडी का बिल्ट है वो वार जोन के लिए होता है, वो जो है लड़ाई के मैदान के लिए बिल्ट होते हैं वो, तो एक बहुत ही बढ़िया पॉलिश्ड और ऐसे होते हैं कि आँखों में एक चमक उनके उनकी, अगर 100 लोगों में से अगर किसी को पहचानना हो कि भाई कौन है धनु राशि वाले, तो उनकी आंखें देख के पहचाना जा सकता है। जिसकी आंखों में चमक हो और जिसकी आंखें थोड़ी सी हल्की सी डूबी डूबी सी लगें, वो मान लीजिए वो धनु राशि के लोग हैं। तो भाई धनु राशि वालों, इस साल में 2023 में आप अच्छा पैसा तो कमाने वाले हो, बढ़िया पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो गुरु महाराज हैं ये चौथे घर पे प्रभाव डालेंगे, जिसकी वजह से आपको बिल्डिंग्स और आपको जो है मतलब लैंड और आपको गाड़ियाँ, ये सब आप इकट्ठा करोगे आप, ठीक है ना। राहु महाराज जो हैं वो आपको कुछ भोग विलास में आपको लगाएंगे, ठीक है, उसका भी आनंद लीजिए। और कुछ जो है खर्चा भी हो सकता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो सकता है अप्रैल के पहले पहले, और अप्रैल के बाद में जो है आपके लिए जो जो इनकम की जो इनकम की स्ट्रीम्स हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, और आप काफ़ी हद तक कुछ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे, ओके। और घर में जो है कुछ खर्चा हो सकता है, पुराने कोई डेट चले आ रहे हो, कोई लोन वगैरह चले आ रहे हो, वो भी आप पूरी तरह से निकल पाएंगे आप उनके भंवर जाल से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए प्यार का मामला कि भाई प्यार मोहब्बत में क्या हो रहा है धनु राशि वालों की लाइफ में। तो धनु राशि वालों देखिए, एक तो आपको सामने से ऑफर मिलता है, अब वो तो जारी रहेगा। कई बार लोग जो है रोड क्रॉस करके आपके पास आते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा केवल दो या तीन राशि वालों की लाइफ में होता है। और लोग जो है अपने लोग अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आने के लिए कोशिश करते हैं। कई बार जो है लोग प्यार मोहब्बत में आपके लिए अपने शहर को भी चेंज कर देंगे, अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, काफ़ी हद तक बदलाव अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। अगर वो पहले से किसी उसमें है तो आपके हिसाब से वो चेंज भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ 2023 में भी आपके साथ होगा। आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप सिंगल हैं एंड रेडी टू मिंगल हैं, तो आपको बहुत सारे पार्टनर्स यहाँ पर मिलेंगे जो अलग अलग तरह के प्रपोजिशंस आपके सामने रखेंगे, ठीक है। ये जो है 2023 की ये थीम रहने वाली है, और अप्रैल के बाद में इसमें जो है और तेज़ी आ जाएगी तो बढ़िया तरीके से, और ये साल जब क्लोज होगा तो आप एक बिल्कुल खुश अच्छे खासे माहौल में होंगे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए नौकरी की कि भाई प्यार मोहब्बत तो हो गया, अब नौकरी के बारे में बात करते हैं कि नौकरी व्यवसाय में कैसा हो रहा है। तो देखो भाई, इस बार जो है आपको एक तरीके से सफलता मिलेगी। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो वो भी सफलता पाओगे आप, और राहु महाराज थोड़े बहुत अड़ंगे अड़ा सकते हैं, बीच बीच में आकर के थोड़े बहुत कन्फ्यूजन दे सकते हैं, बट आप एक बिल्कुल कमिटेड स्टूडेंट हो, आप जो है बिल्कुल पार निकल जाओगे। और आपके काम धंधे पर भी जो है कोई जो आपके कॉम्पिटिटर हैं या जो आपके बात नहीं सुनना चाहते, उनका आपके ऊपर कोई खास कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो बढ़िया तरीके से ये साल जो है आपके प्रोफेशन के हिसाब से भी जाएगा। आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपको पदोन्नत करके किसी दूसरी जगह भेजा जा सकता है मई के महीने के आसपास, इसकी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए आपके घर की कि परिवार में माहौल कैसा है, परिवार में क्या हो रहा है। परिवार का आपको साथ मिलता है, लेकिन आप उतने डिपेंडेंट उनके ऊपर नहीं हो। मोस्टली धनु राशि वालों की जो लाइफ होती है वो इंडिपेंडेंट लाइफ वो जीना सीख लेते हैं, और ज़्यादा किसी लोगों के सहारे की ज़रूरत उनको पड़ती नहीं है। अगर परिवार से बस वो चाहते हैं कि परिवार से इमोशनल सपोर्ट मिलता रहे, बस इतना ही काफ़ी है, उनसे बाकी और कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन घर में आपका इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा है,
और इस बार भी जो है अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, अपने छोटे या अपने से या कि भाई बहन की शादी करनी हो या कुछ और करना हो, इस तरह की जो गतिविधियां जारी रहेंगी परिवार के अंदर। और हो सकता है घर का रिनोवेशन के बारे में भी आप सोचें या कोई मकान शिफ्ट करने के बारे में सोचें, तो बिल्कुल जो है इस तरह की चीज़ें इस साल में होने की संभावना है। इसमें टेंशन कुछ नहीं है, इसमें जो है सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए विदेश यात्रा की, कि विदेश का मामला क्या हो रहा है यात्राओं के संबंध में। तो शनि महाराज आ जाएंगे बिल्कुल जो है साल के दूसरे महीने के आसपास से आ जाएंगे, और वो जो है लंबी लंबी यात्राएं आपके लिए प्लान यहाँ पर कर रखी हैं। आपने भी कुछ प्लानिंग कर रखी है अगले साल के लिए कि भाई जब आप पास हो जाओगे या आप ये हो जाओगे तो आप इस कंट्री में जा करके आगे की पढ़ाई करोगे, तो बिल्कुल जो है बढ़िया है इसमें। और अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो भी जो है अप्रैल के बाद में यहाँ पर अच्छी खासी यात्राओं की संख्या बढ़ेगी। ओके, और दूसरे किसी विदेश कंट्री में, विदेश में जाकर के पढ़ाई करने का भी एक जो है आपको चांस मिलेगा बिल्कुल यहाँ पर। और बढ़िया जो है यहाँ पर है यात्राएं आपकी बढ़िया चलेंगी, इनसे आपको फायदा होगा, नुकसान इनसे खास कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए आपके हेल्थ की, कि हेल्थ का मामला कैसा है। तो हेल्थ का मामला भाई एक तरीके से आम तौर पर सेम ही रहने वाला है। मैं बोलता हूँ जो धनु राशि के लोग होते हैं वो वार जोन के लिए बने होते हैं, जैसा मैंने बताया बॉडी की बिल्ट जो होती है वो वार जोन के लिए होती है उनकी, और वो एक अलग तरह की पर्सनैलिटी होते हैं, बिल्कुल ज़्यादा लोगों पे ज़्यादा जो है डिपेंडेंट नहीं होते। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप कुछ एक्सरसाइज रूटीन कुछ फॉलो करते हो आप, उसको आप फॉलो करना जारी रखें और बिल्कुल भी चिंता ना करें। यहाँ पर आपकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल शानदार रहेगी, यहाँ पर हेल्थ में कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो है अप्रैल 22 के बाद में थोड़ा सा आपको स्ट्रेस लेवल मैनेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज़ आपका हेल्थ जो है बढ़िया है और आप जो है यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहिए बस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कैप्शन की, ये जो हमने आपके लिए कैप्शन लिखा है कि कोई ना कोई आपके इंतज़ार में रहेगा और कोई ना कोई मिलने के लिए बेचैन। तो भाई ये कौन लोग हैं, सबसे पहली तो बात ये है, एक तो हैं ये एरीज मेष राशि के लोग जो कि आपके साथ में आपके एडवेंचर के साथी हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये आपको लंबी लंबी यात्राओं पर ले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में लियो, ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास में लिब्रा तुला राशि वाले लोग, और नेक्स्ट है हमारे पास आपकी खुद की राशि के लोग। तो इतने लोग तो हैं ही हैं, इनमें से जो है ये तो आपके बहुत ही करीब हैं। अब जो सबसे ज़्यादा जो बेचैन है आपसे मिलने के लिए वो होंगे एरीज मेष राशि वाले, जैमनाई मिथुन राशि वाले, लियो राशि वाले और धनु आपकी खुद की राशि के लोग। इतने लोग जो इतनी राशि के लोग आपसे मिलने के लिए बेचैन रहेंगे और कोई ना कोई आपके इंतज़ार में रहेगा कि भाई हमसे भी मिल लो, ठीक है, या हमारे ऊपर भी थोड़ा सा आप अपनी दया दृष्टि डाल दीजिए या थोड़ा सा हमारे ऊपर भी ध्यान दे दीजिए, हम भी सफल हो जाएंगे, ऐसा कहने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे इस 2023 में। तो अपना ख्याल रखें और आप हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।